सुप्रभात मित्रों, आज दिनांक 10 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा दसम। आज हम जो है वो तृतीय पाठ स्वराशि गौरव को जितना हमने अध्ययन कर चुके थे उससे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। स्वराशि गौरव के विषय में आपने काफी जो है वो ज्ञान अर्जन कर चुके हैं आप कि हमारा जो ये राष्ट्र है स्वराष्ट्र गौरव का अर्थ होता है हमारे राष्ट्र का गौरव। तो राष्ट्र के विषय में चिंतन की जो ये अवधारणा है ये आज की नहीं है बल्कि प्राचीन है। जितना हम राष्ट्र के विषय में सोचते हैं उतना ही हमारे पूर्वज भी राष्ट्र के हित के विषय में सोचते थे। राष्ट्र एक केवल भूभाग को या भौगोलिक या राजनीतिक घटकों को हम राष्ट्र नहीं कहेंगे, राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक घटकों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। आपने इसमें पढ़ा कि जो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र शब्द जो है वो आज ही नहीं बल्कि प्राचीन समय में यजुर्वेद तथा ऋग्वेद आदि में भी राष्ट्र शब्द का जो है वो प्रयोग हो चुका है। जैसा कि वेदों में भी कहा गया है कि राष्ट्र में क्षत्रिय हो क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्र में यदि क्षत्रिय नहीं होंगे तो राष्ट्र की रक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वेदों में भी जो है वो राष्ट्र शब्द जो है वो आ चुका है। उसके अलावा वयम राष्ट्र जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहे, ये आपके जो है वो यजुर्वेद की एक ऋचा है, पंक्ति है, श्लोक है, उसके अंश है। वयम राष्ट्रम जागृयाम, हम राष्ट्र में जागृत रहे, ऐसी पंक्तियों में भी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त आम राष्ट्र संगमनी वसुना अर्थात की ऋग्वेद में कहा गया है कि भूमि स्वयं कहती है कि हे मनुष्यों मैं वाग देवी तथा धन को प्रदान करने वाली हूँ। तो इस तरह से राष्ट्र शब्द का प्रयोग यजुर्वेद तथा ऋग्वेद की ऋचाओं में भी हो चुका है। फिर हम आप लोगों ने पढ़ा कि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग हो चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर ये जो राष्ट्र से संबंधित जो अवधारणा है अर्थात कि राष्ट्र के विषय में सोचने की जो अवधारणा है ये अत्यंत प्राचीन है, पुराने समय से चली आ रही है। क्योंकि हम राष्ट्र को राष्ट्र देव मानते हैं, ईश्वर के समान मानते हैं, केवल राष्ट्र अर्थात देश नहीं मानते। ये जो पाश्चात्य संस्कृति है या पाश्चात्य देश है जो कि राष्ट्र को केवल राष्ट्र मानते हैं, कंट्री मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते, वे केवल हमें भ्रमित करने वाले तथ्य हैं। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि हमारा भारतवर्ष जो है वो अत्यंत प्राचीन है और सनातन है, क्योंकि महाभारत इत्यादि जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें भी हमारे राष्ट्र अर्थात भारत राष्ट्र का जो है वो वहां पर परिचय आपको मिल जाता है। फिर आगे कवि कहता है कि हमारे यहाँ के ऋषि मुनि कवि तथा विभिन्न दार्शनिक भी जो है वो केवल भौगोलिक तथा भौतिक घटकों को राष्ट्र नहीं मानते बल्कि वो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए सांस्कृतिक घटकों का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव इत्यादि नहीं होगा तब तक मनुष्य जो है वो कभी भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि भारत के लोग भोग को नहीं बल्कि त्याग को महत्व देते हैं। फिर आपने इसमें पढ़ा कि फिर आप पढ़ते हैं कि यह हमारा जो राष्ट्र है वो केवल राष्ट्र नहीं बल्कि वो क्या है, राष्ट्र देव है। और हमारे यहाँ पर जो है केवल मिट्टी के या किसी भूमंडल के छोटे से भाग को या भूभाग को हम राष्ट्र नहीं कहते बल्कि हम इस राष्ट्र को मातृभूमि नाम से संबोधित करते हैं। और उसी तरह से ऋग्वेद में कहा गया है कि माता भूमि पृथ्व्याहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात कि यह भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। फिर आगे ऋग्वेद में ही कहा गया है कि पृथ्वी माता द्योमेर पिता, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और ये जो द्योलोक है वह मेरे पिता है। फिर आपने इसमें पढ़ा कि ये जो हमारे
मातृभूमि पितृभूमि अर्थात की माता तथा पिता के पूर्वजों की जो ये भूमि है ये पुण्य भूमि अर्थात जहाँ पर पुण्य किए जाते हैं, धर्म भूमि है सारे धर्म इसी पर किए जाते हैं, कर्म भूमि सभी अपने अपने कर्मों का निर्वाह करते हैं, और ये देव भूमि अर्थात यहाँ पर देवता रमण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आपने स्वराष्ट्र गौरवम का परिचय पढ़ा और उसके पश्चात आपने दो श्लोक पढ़े थे। पहला श्लोक था कि उत्तर यत समुद्र से हिमाचल से दक्षिणाम वर्षतर भारतम नाम भारती यत संतति अर्थात कि जो भूमंडल समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है जहाँ पर भारतीय संतान निवास करती है उसे भारत कहा जाता है। इस तरह से आपने जो है वो सबसे पहले एक श्लोक पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कि हिमालयात समारंभ्य अर्थात कि हिमालय से प्रारंभ होकर यावत हिंदु सरोवरम जो हिंद महासागर तक स्थित है तद देव निर्मित देव और जो देवताओं के द्वारा निर्मित है अर्थात जिस देश को देवताओं ने निर्माण किया है उस देश को हिंदुस्तान प्रचक्षते हिंदुस्तान कहा जाता है। तो इस तरह से आपने जो है दो श्लोक पढ़ लिए थे। फिर आप देखिए उसके पश्चात एक श्लोक और भी पढ़ लिया था आपने कि गायन्ति देवा किल गीतकानि कि निसंदेह ही देवतागण इस भारत देश का गुणगान करते हैं। धन्या से भारत भूमि भागे धन्य हैं वे लोग जो इस भूमि पर निवास करते हैं। स्वर्ग अपवर्ग स्थित भाग होता जो स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग है हमारी जो भारत भूमि है वो स्वर्ग तथा मोक्ष का मध्य मार्ग है। ये जो हमारा भारत है वो क्या है स्वर्ग तथा मोक्ष का मध्य मार्ग क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है किंतु हमारे देश में स्वर्ग से भी अधिक मोक्ष को महत्व दिया गया है क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य को कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता जन्म और मृत्यु से वो छूट जाता है। तो अब आप लोग जो है यहाँ पर जो है तीसरे श्लोक में पढ़ रहे हैं कि गायन्ति देवा किल गीतकानि कि निसंदेह ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवता गण भी भारत भूमि का यशोगान करते हैं और कहते हैं कि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे धन्य हैं वे भूमि पर रहने वाले लोग जो स्वर्ग अपवर्गास्पद मार्ग होता जो स्वर्ग तथा मोक्ष के मध्य मार्ग अर्थात कि भारत पर भारत में जन्म लेते हैं। भवन्ति भूयं पुरुषा सुरत्वा अर्थात कि जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेता है अवश्य ही वह देवत्व के कारण ही इस भूमि पर जन्म लेता है अन्यथा हर किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है कि वो भारत भूमि पर जन्म ले अवश्य उसने पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए होंगे या पूर्व में वो देवता की योनि में रहा होगा देवता बने होंगे तभी जो है उसको भारत भूमि पर जन्म मिलता है। तो इस तरह से आपने जो है वो तीन श्लोकों को पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुखा पीयूष कर्षम हित्वा विश्वभाण्डम उपासिता
बहुत ही अच्छी बात कही गई है इसके अंदर। संप्राप्य, संप्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके भारतीय भारत में जन्म का जन्म सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से परामुख विमुख विमुख या दूर रहता है, दूर रहता है। पीयूष, पीयूष का अर्थ होता है अमृत कलशम कलश हित्वा त्याग कर विष जिसका जहर भांडम कलश उपासित स्वीकार करते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासित, अर्थात कि संप्राप्य भारतीय जन्म जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर भी या भारत में जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मसु परांगमुख अच्छे कर्मों से विमुख रहता है, अर्थात कि अच्छे कर्म नहीं करता, वह व्यक्ति अवश्य ही पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपासित, वह व्यक्ति अमृत से भरे हुए कलश का त्याग करके अवश्य ही विष भांडम उपासित जहर से भरे हुए कलश को स्वीकार करता है, अर्थात कि भारत भूमि पर जन्म लेने के पश्चात मनुष्य सदैव सत्कर्म ही करता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है वो मनुष्य के जीवन को वैदिक काल से ही चार भागों में बांट दिया गया है, चार वर्णों में बांट गया है। जैसे सबसे पहले जो है वो आप लोग जानते हैं कि 25 वर्ष तक की उम्र में जो है 25 वर्ष की उम्र तक बालक जो है वो विद्या अध्ययन करता है और वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। उसके पश्चात जो है वो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम में निवास करता है। फिर उसके बाद में जो है वो 25 वर्ष से लेकर और 75 वर्ष तक वो केवल भजन कीर्तन करता है और उसके पश्चात जो है वो 75 से लेकर 100 वर्ष तक जो है वो वनों में चला जाता है और संन्यास धारण कर लेता है। तो इस तरह से जो है वो मनुष्य के जीवन को बांटा गया है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भी जो है जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भी अच्छे कर्म नहीं करता, मानो वह अमृत कलश को त्याग कर विष के कलश को स्वीकार करता है। तो अर्थात कि भारत भूमि पर जन्म लेने के पश्चात सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा वापस इसी को, संप्राप्य भारत जन्म सत्कर्मसु परांगमुख संप्राप्य भारतीय जन्म जो मनुष्य भारत में जन्म प्राप्त करके अर्थात जन्म लेकर भी सत्कर्मसु परांगमुख सत्कर्म अर्थात के अच्छे कर्मों से परांगमुख विमुख रहता है अर्थात की दूर रहता है अच्छे कर्म नहीं करता, मानो वह पीयूष कलशम हित्वा मानो वह अमृत कलश को त्याग कर विष भांडम उपासित वह जहर के कलश को स्वीकार करता है, अर्थात कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने ही चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म करने पर ही स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग जो है वो हमें प्राप्त होता है।
एतद्देश प्रस्तुतस्य सकाशा अग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेण पृथिव्यां सर्व मानवा। अब यहां पर देखिए एक तो देश इस देश में इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए सकाशाद सकाशाद अग्र जन्मा अर्थात की पूर्व में जन्मे महापुरुष पूर्व में जन्मे महापुरुष स्वस्व चरित्र अपने अपने चरित्र की शिक्षा पृथ्वी की सर्व सभी मानव कभी कहता है कि एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मना स्वस्व चरित्रं शिक्षेण पृथिव्या सर्व मानव। अब यहां पर बताया गया है कि एतद्देश प्रसूतस्य इस देश में जन्मे हुए सकाशाद् अग्र जन्मना पूर्व में जन्मे हुए महापुरुषों के चरित्र से किससे चरित्र चरित्र से स्व स्व चरित्रम शिक्षण पृथ्वी सर्व मानव पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका चरित्र बहुत ही उन्नत रहा है और यही कारण है कि जैसे महावीर स्वामी महाराणा प्रताप विवेकानंद राम कृष्ण परमहंस ऐसे कई महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है। तो यहां पर बताया गया है कि एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मना स्वस्व चरित्रम शिक्षणेन पृथिव्या सर्व मानवा अर्थात कि इस देश में जन्मे हुए इस देश में जन्मे हुए पूर्व में जो महापुरुष हैं वे इस देश में जन्मे हुए पूर्व में महापुरुष जैसे महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी महाराणा प्रताप विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ऐसे कई महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है और ऐसे महापुरुषों से तो स्वस्व चरित्र शिक्षण पृथ्वी सर्व मानवा अर्थात की पृथ्वी के सभी मनुष्य
अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अर्थात कि ये जो महापुरुष हैं जिनका जन्म हमारे देश में बहुत पहले हुआ, ऐसे महापुरुषों के जीवन से जो है वो केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि पृथ्वी के सभी लोग जो है, सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहीं ना कहीं ये महापुरुष पृथ्वी के सभी मनुष्यों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जन्मे हुए महापुरुषों के चरित्र से इस पृथ्वी के सभी मनुष्य अपनी अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो आगे हम देखते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि अपि अर्थात भी स्वर्णमयी स्वर्ण निर्मित लंका न का मतलब नहीं में का अर्थ मुझे लक्ष्मण का अर्थ लक्ष्मण रोजते का अर्थ है रुचिकर या अच्छी जननी मां जन्मभूमि जहां जिस भूमि पर जन्म प्राप्त हुआ स्वर्गादपि स्वर्ग से भी और गरियसि महत्व वाली या बढ़कर। देखिए जब श्री राम ने माता सीता को लंका से पुनः प्राप्त किया अर्थात कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया था उस समय श्री राम लक्ष्मण और उनकी सेना ने लंका पर जो है वो आक्रमण किया और आक्रमण करके रावण को मार दिया और माता सीता जो है वो पुनः जो है वो भगवान श्री राम के पास चली गई। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि हे श्री राम आप इस लंका को जो कि स्वर्ण से निर्मित है सोने की बनी हुई लंका को आप क्यों त्याग रहे हैं, आप यहीं पर राज्य कर लीजिए यहीं के राजा बन जाएंगे। तब भगवान श्री राम कहते हैं अपि स्वर्ण में लंका न में लक्ष्मण रोचते अपि कारते भी कि हे लक्ष्मण यह लंका स्वर्ण से निर्मित होते हुए भी मुझे रुचिकर रोचते रुचिकर नहीं है। अर्थात कि हे लक्ष्मण श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण यह लंका स्वर्ण से निर्मित होते हुए भी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती अर्थात कि मुझे बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आगे श्री राम कहते हैं जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरियसि
अपनी माँ अर्थात कि जिसने हमें जन्म दिया है, जन्मभूमि अर्थात कि जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, तो जननी जन्मभूमि माँ तथा जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी स्वर्ग से भी अधिक महत्व वाली होती है। इस प्रकार से भगवान श्री राम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं और लंका का परित्याग कर देते हैं। और वहां पर जो है वो विभीषण जो कि रावण का छोटा भाई था उसे वहां का राजा बना देते हैं। तो फिर से देख लीजिए, अपि स्वर्ण में लंका नामे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्ण में लंका नामे लक्ष्मण रोचते। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, यह लंका स्वर्ण से निर्मित होते हुए भी मुझे बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जननी अर्थात की जन्म देने वाली माँ तथा जन्मभूमि अर्थात की जिस भूमि पर हमने जन्म प्राप्त किया है, तो जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी स्वर्ग से भी अधिक महत्व वाली होती है, सम्मान के लायक सम्मान के योग्य होती है। और इस तरह से जो है वो आपने श्लोक के अंदर पढ़ा। तो अब आप जो है वो होम असाइनमेंट देख लीजिए। तृतीय पाठ श्लोक, ये आपकी जो है वो श्लोक संख्या थी छह, श्लोक व्याख्या कर। तो आपको छह तक के श्लोक जो है, छह श्लोक है, यहां तक की आपको हिंदी में सब प्रसंग व्याख्या करनी है। धन्यवाद।